स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर डी की वैल्यू क्या हो, जीरो से ग्रेटर थे, जीरो से ग्रेटर को इसके जो रूट्स थे वो क्या थे, रियल एंड डिस्टिनेट। सेकेंड था डी को क्या से जीरो रूट्स क्या ये रियल एंड इक्वल, और थर्ड था डी लेस देन जीरो, जीरो से छोटा मीन्स माइनस में वैल्यू, रूट क्या होंगे इमेजिनरी। फिर नोट भी है जिसका अपने थ्री कंडीशन देती है और इसी पे आपकी 3.5 एक्सरसाइज थी। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अपने कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू फाइंड करनी है। कब विच फ्लोमिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिनेट रूट, कब करनी है, जब उसके रूट्स क्या हो, रियल हो एंड डिस्टिनेट, मींस बी की वैल्यू क्या चाहिए ग्रेटर देन 0। इक्वेशन कौन सी है, ax square plus 2x plus 1 equal 0। यहां से अपने कंपेयर करें, a की वैल्यू क्या आ गई k, b की वैल्यू क्या आ गई 2, c की वैल्यू क्या आ गई 1। क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ax square plus bx plus c, a b c की वैल्यू अपने फाइंड कर लें। गिवन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिनेट, तो कंडीशन क्या होगी, डी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, मींस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या चाहिए ग्रेटर देन 0। वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है के इंटू सी की वैल्यू क्या है 1 ग्रेटर देन 0, 4 का स्क्वायर माइनस 4 के क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, 4 क्या आ जाएगा कॉमन 1 माइनस के ग्रेटर देन 0, 4 का डिवाइड किया गया 1 माइनस के इक्वल क्या आ गया इक्वल नहीं ग्रेटर देन 0, तो k के 1 माइनस के इक्वल ग्रेटर देन क्या हो गया 0। अब इसको उधर देखते हैं, k इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का 1 ग्रेटर देन k, तो k की वैल्यू क्या होगी 1 से छोटा होना चाहिए, तो k लेस देन 1, तो k की आपने वैल्यू फाइंड करने थे, तो k की वैल्यू आ जाएगी k लेस देन 1। सेकंड देखो बॉय साइन चलेगा माइनस था इधर जाके प्लस हो गया, अब मैंने साइन चेंज नहीं किया, के की तरफ क्या था लेस देन वाला साइन था, तो के की तरफ मैंने लेस देन लगाया, ग्रेटर देन किस की तरफ है 1 की, 1 की तरफ, मैंने इसको उल्टा किया लेकिन साइन तो चेंज नहीं किया मैंने, जो इसमें था वो इसी में राइट किया है, तो के लेस देन 1 वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से सेकंड और थर्ड पार्ट मेरे ख्याल में अपने आप कर लोगे, इसलिए कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ के कब नॉट रियल रूट, नॉट रियल रूट के लिए क्या कंडीशन होती है डी लेस देन 0। इक्वेशन आपके पास x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल 0, ये की वैल्यू 1, b की 5k, c की 16, given roots are not real, not real होगा तो क्या होगा d less than 0, d की वैल्यू क्या आती है b square minus 4ac less than 0, b की वैल्यू 5k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 16, लेस देन 0।
25 a square minus 64 जा 64 less than 0 25 a square less than क्या हो जाएगा minus 64 जा क्या हो गया plus a square की वैल्यू क्या आ गई less than 64 upon 25 k की वैल्यू क्या आ जाएगी less than 64 upon 25 का root square आंसर तो क्या लग गया root रूट निकाल दो क्या 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 सही 8.5 क्लियर वो भी लगे एक बार प्लस की एक बार माइनस की वर्स्ट क्वेश्चन इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड देन प्रूव दैट इसके रूट्स क्या है इक्वेशन क्या दे दिया आपके पास b माइनस a का x स्क्वायर प्लस c माइनस a x प्लस a माइनस b इक्वल जीरो गिवन रूट्स आर रियल एंड इक्वल रियल एंड इक्वल के लिए कैसे करती है डी इक्वल जीरो डी की वैल्यू क्या आती है बी स्क्वायर माइनस फोर एल सी इक्वल जीरो अब इस इक्वेशन से ए की वैल्यू क्या है बी माइनस सी बी की वैल्यू क्या है सी माइनस ए सी की वैल्यू क्या है ए माइनस बी पुट करते हैं बी स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए बी माइनस सी इंटू सी ए माइनस बी इक्वल क्या चाहिए जीरो बोल रहे हो स्क्वायर को सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी माइनस फोर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें बी का ऐसे किया ए बी बी का बी से किया माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी इक्वल जीरो अंदर मल्टीप्लाई करें सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी माइनस फोर ए बी माइनस माइनस प्लस फोर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर ए सी माइनस माइनस प्लस फोर बी सी इक्वल क्या आ गया जीरो पहले मैंने इसका हो स्क्वायर बोल दिया ब्रैकेट का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया फिर बाहर फोर से मल्टीप्लाई था तो फोर से मल्टीप्लाई कर दिया प्रूफ करना है टू बी इक्वल ए प्लस सी फोर बी स्क्वायर इसका प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी प्लस फोर ए बी प्लस फोर ए सी प्लस फोर बी सी टू लेकर टू बी इक्वल ए प्लस सी टू ए सी फोर ए सी इनसे क्या जाएगा प्लस के फोर ए सी माइनस के टू ए सी ये बचेगा आपके पास सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए सी जितना पार्ट सॉल्व हो गया अपने पास अब बच गया प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस
प्लस 4bc और माइनस 4 माइनस 4ab प्लस 4bc प्लस 4bc। इस प्रकार लिख सकता हूं मैं सी प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है। और इनमें अब क्या करें, अपने कॉमन ले कुछ, और बी को हम ले लें, ये बन जाएगा बी प्लस सी माइनस ए इक्वल जीरो। और बी प्रूफ करना है अपने को, 2b इक्वल ए प्लस सी, ए प्लस सी 2b इक्वल। सी प्लस ए को अपने अलग करना होगा ना, एक साइड इसको करें अपने, और बी टू मतलब उसको हम लेंगे सी माइनस ए प्लस इसको लिख लें 2b का होल स्क्वायर। यहां से दोबारा से देखो आप, b की वैल्यू c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू a की वैल्यू क्या है b माइनस c इनटू c की वैल्यू क्या है a माइनस b इक्वल 0। अब इसका होल स्क्वायर क्या, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, फॉर्मूले से माइनस 4 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, b को c से किया ab प्लस माइनस माइनस b को b से किया b स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस c को a से किया ac माइनस माइनस प्लस c को b से किया बीसी, क्लियर। अब इस माइनस फोर को अंदर मल्टीप्लाई किया अपने, माइनस प्लस के साथ क्या, माइनस फोर ए बी माइनस माइनस प्लस फोर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर ए सी माइनस प्लस माइनस फोर बी सी इक्वल जीरो। अब माइनस का टू ए सी और प्लस का फोर ए सी क्या बन गया, प्लस की टू ए सी रहेगी, तो ये एक साथ हो गया अपना, ये बन गया सी प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस फोर बी को अपने क्या लिख दिया, टू बी का होल स्क्वायर। 4b इसमें भी है, 4b इसमें भी है, माइनस का 4b अपने कॉमन ले लिया, यहां से क्या बच गया c प्लस a, क्योंकि अंतर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो j कंडीशन सेम बन जाएगी दोबारा से। अब ये फार्मूला बन रहा है c प्लस a मींस इस पार्ट को अपने a ले ले, इस पार्ट को अपने b ले ले, a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन हो रहा है, a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन हो रहा है, तो c प्लस a माइनस 2b का क्या बन गया होल स्क्वायर। देखो खोलो, इस पूरे को अपने ए लिया c प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है 2 इनटू a की वैल्यू क्या है c प्लस a इनटू b की वैल्यू क्या है 2b, 2 2 जा 4 c प्लस a b बन रहा है ना, प्लस b स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर आ रहा है। अब इक्वल क्या था 0, स्क्वायर करेंगे तो रूट लग गया c प्लस a माइनस 2b, 0 का रूट क्या होता है 0 ही होता है, इसको उधर ले दो c प्लस a माइनस का 2b, उधर जाकर क्या हो गया प्लस का 2b। यही अपने क्या करना था, प्रूफ करना था। इसमें अपने थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मल्टीप्लाई करने, क्लियर। 5% है, 5 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.6, आपको जहाँ पे सिर्फ नंबर ना दिखे, आपको इक्वेशन दी हुई है उनमें से आपको अलजेब्रिक इक्वेशन में से एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने हैं। क्वेश्चन करके देखते हैं,
थ्री फोर सिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे आपके पास पार्ट का एलसीएम इसका 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड एंड 27 एक्स की 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इसको अपने यू एक्स मान लें 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड इसको अपने क्या मान लें वी एक्स मान लें 27 एक्स की 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जैसे आपने एफ में फैक्टर किया था उसी तरह इसके फैक्टर कर लें 24 में तो क्या जाएंगे 2 या 4 4 2 या 8 8 3 जा 24 इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड इसके क्या है 3 3 9 9 3 27 एक्स की 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अब आपने इसमें क्या लेना है कॉमन लेना है कॉमन मल्टीप्लाई बट अपने ऐसे फाइंड करते हैं तो अपने क्या करते हैं सबसे बड़ी चीज होती है वो उसको अपने कॉमन लेते हैं इसमें 2 कितनी टाइम आया हुआ है 3 टाइम तो 2 की पावर क्या आ जाएगी कॉमन 3 टाइम इसमें 2 है नहीं इसमें 3 1 टाइम है इसमें 3 कितने टाइम है 3 टाइम अपने कौन सा लेंगे 3 की पावर 3 टाइम क्योंकि एलसीएम में अपने जो हाईएस्ट पावर होती है उसको अपने कॉमन लेते हैं इनटू इसमें x की 2 है इसमें x की 4 है तो कॉमन क्या आ जाएगा x की 4 इसमें y की 1 है y की 2 है कॉमन क्या आ गया y की 2 z की 1 है z की 2 है z की 2 एलसीएम के अंदर जो को आपने कॉमन लेना है वो हाईएस्ट पावर लेनी है और एलसीएम के अंदर जो कॉमन लेना है वो लोवेस्ट लेनी जो पावर लोवेस्ट होगी मतलब सबसे कम पावर होगी उसी को आपने क्या लेना है कॉमन लेना है नाउ एलसीएम क्या हो गया इसका 2 की क्यूब क्या हो गया 8 3 की क्यूब क्या हो गया 27 x की 4 y स्क्वायर जेड स्क्वायर अब इनको मल्टीप्लाई कर लो 8 7 जा 56 5 8 2 जा 16 और 5 21 x की 4 y स्क्वायर जेड स्क्वायर आपका एलसीएम आ जाएगा 216 x की 4 y स्क्वायर जेड स्क्वायर एलसीएम में आपने कॉमन लेना है तो हाई जो मैक्सिमम पावर होगी उसको कॉमन लेना है कोई भी डिजिट छोड़नी नहीं है मान लो यहां पे 5 आया था इसमें 5 नहीं है तो अपने 5 को भी कॉमन लेना है छोड़ के नहीं चलना इसमें जो भी बच्चा है सबको कॉमन लेना है हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है क्लियर और एससीएम में उल्टा होता है लोवेस्ट इसमें कॉमन लेते हैं एससीएम में अपने और क्वेश्चन करते हैं अपने मान लो फोर्थ पार्ट है इसका जिसमें थ्री चीज आ रही है फर्स्ट का फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन a plus b a minus b इसके फैक्टर क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं होता तो इसे छोड़ दो x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो चाहे आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कर लो या फिर आप जो आपने कल किया सीरीज था चले फार्मूला उससे कर लो इसके फैक्टर अपने आप करने हैं करके देखें
ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसके अपन टू पार्ट्स करें, मीन्स वन बन जाए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस बन जाए। अब वन सबसे स्मॉल नेचुरल नंबर है, तो इसके क्या फैक्टर होंगे? वन के कोई फैक्टर हो नहीं सकते कि अपन ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो भी वन बन जाए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस वन बन जाए। देखो जीरो को अपने वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, हो नहीं सकता, उसको वैसे के वैसे ही रहने दो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, क्यों? क्योंकि वन आ रहा है, वन के अपने फैक्टर नहीं कर सकते, वन का कोई मल्टीप्लाई नहीं होता, वन का मल्टीप्लाई खुद वन ही होता है। अब आपका कॉमन फैक्टर क्या आ गया, इसमें क्या था x प्लस वन कॉमन ले लिया, इसमें x प्लस वन था, इसमें नहीं है, मींस अपने तीनों में से देख रहे हैं जो आई है इसका वो लेना है, इसमें 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 नहीं है, x प्लस वन ले लिया। अब इसमें x माइनस वन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, x माइनस वन भी कॉमन आ गया, इसमें x स्क्वायर प्लस वन लेकिन वो इनमें नहीं है दोनों में, और इसमें क्या है x स्क्वायर प्लस x माइनस वन। तो आपका एलसीएम क्या हो गया, x प्लस वन, x माइनस वन, x स्क्वायर प्लस वन, x स्क्वायर माइनस x माइनस वन। a प्लस बी ए माइनस बी क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सेम से ए स्क्वायर माइनस a माइनस बी ए प्लस बी, a की जगह क्या है x है, स्क्वायर है, a माइनस बी ए प्लस बी फिर बन गया तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स x स्क्वायर का स्क्वायर x की 4 माइनस बी स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, x की 4 माइनस 1 इनटू क्या बन गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब आप इतना भी छोड़ सकते हो, अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो एक लाइन के अंदर, मीन्स मल्टीप्लाई करके भी राइट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है, अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है तो इतना ही छोड़ दो, अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, क्लियर? अगर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आ रहा है तो इतना कर दो इनफ है, अगर आपका क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आ रहा है तो इसको और एक्सप्लेन करना है, मीन्स x की 4 का इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 1 का इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई, क्लियर? नेक्स्ट एससीएफ फाइंड करना, फर्स्ट नंबर सेकंड में एससीएफ फाइंड करना है। ux इक्वल क्या होगा a की 3 b की 4, vx इक्वल क्या होगा a b की 5, wx इक्वल क्या जाएगा a स्क्वायर b की 8। लास्ट 10 मिनट बचे हैं, इसी तरह रख लो, चाहे फैक्टर करना तो फैक्टर कर लो, a इंटू a इंटू a, b इंटू b इंटू b इंटू b, a इंटू b 5 टाइम, a 2 टाइम, b 8 टाइम, अब आपने क्या लेना है कॉमन डिवाइजर ऑफ हाईएस्ट मल्टीप्लाई, कॉमन डिवाइजर ऑफ हाईएस्ट मल्टीप्लाई। अब देखो इसमें हाईएस्ट मल्टीप्लाई लेने मीन्स इसमें ए है तीनों में, अब जो टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो टू में देखना है, थ्री है थ्री, फोर है तो फोर, सभी में जो कॉमन होगा वो लेंगे, न कि दो में हो थ्री में नहीं हो तो उसको अपने छोड़ना है, लेना नहीं है। ये कॉमन आ गया इन दोनों में, इसमें ए है, इसमें ए है लेकिन इसमें नहीं है, इस अब ए को छोड़ देंगे, नहीं देंगे, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें बी है, इनटू बी, फिर इसमें बी है, जितने भी कॉमन आ गए वही वही लेने हैं अपने,
अब इसमें जो अगर 2 एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो 2 में से कॉमन देख लेना है, 3 है तो 3 में से कॉमन देख लेना है, वो ही कॉमन लेने हैं जो 2 या 3 के अंदर है। जो आपके क्वेश्चन आएगा 3 है इसमें, मान लो 3 थे आपके पास, तो जो 3 में कॉमन आएगी वो ही लेने हैं, बाकी अपने नहीं लेने। तो इसका एससीएफ हो जाएगा आपके पास ए कितने टाइम है, 1 टाइम, बी कितने टाइम है, 1 2 3 4, तो बी की पावर 4, एससीएफ हो गया ए बी की 4। क्लियर? लोएस्ट में तो अपने कुछ छोड़ना नहीं, जो कॉमन आ रहा है वो तो लेना लेना है, जो बच गया उसको भी लेना होता है। लेकिन एससीएफ के अंदर जो 2 या 3 में कॉमन है, जितने 2 टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो 2 में से ले लो, 3 की है तो 3 में से कॉमन लो, जो सबसे मैक्सिमम कॉमन आएगा वो लेना है आपको, जो तीनों के अंदर मैच होते हो। ऐसा नहीं कि 2 में हो रहा है 3 में नहीं है तो उसको भी ले लेंगे, तो रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पांच एक मिनट बचे हैं, 3 क्वेश्चन बचे हैं अपने। यूएक्स गिवन है, x-1 का होल स्क्वायर, बीएक्स गिवन है x²-1, देन वेरीफाई करना अपने को LCM इक्वल SCF इक्वल UX इनटू VX। पहले कैसे निकाले, इसके फैक्टर क्या हो गए, x+1 नहीं x-1, x-1 ये मंच में का हो सके है, उसके खोलने की जरूरत नहीं है, अलग कर दो। इसके फैक्टर क्या हो गए, x+1 दे दिया आपको।